नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जनपद प्रयागराज के नैनी से निकल कर नैनी में व्यक्ति नैनी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। आपको बता दें कि यह व्यक्ति नैनी से प्रयागराज की ओर जा रहा था, बाइक सवार व्यक्ति था। मौके पर पत्रकार एवं ग्रामीणों ने, लोकल के व्यक्ति ने पहुंचकर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। आपको बता दें कि घटना एक बार फिर से घटना प्रयागराज जनपद के नैनी की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति रोड पर तड़पता रहा। यहाँ पर नज़दीकी में सहायता, पुलिस सहायता केंद्र भी थी, लेकिन मौके पर वहाँ पे कोई भी पुलिस दिखाई नहीं दिया। देखते रहे प्रकाश की आवाज़ न्यूज़, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। पुलिस सहायता केंद्र है इलाहाबाद प्रयागराज में, इसमें मौजूद है। हम लखनऊ से लौट रहे थे और अचानक यहाँ पर यह घटना घटी है रोड पर, और इस सहायता केंद्र पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं, कोई भी सिपाही तक मौजूद नहीं है। आपको दिखाते हैं घटना की तरफ, हम लेके चलते हैं, आइए। जी कब से एक्सीडेंट हुआ है ये भैया? वहीं के आधा घंटा हो गया, यहीं हुआ है एक्सीडेंट। आपके 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 सहायता केंद्र है, सहायता केंद्र है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ सब वही जब ट्रक उरक जब चेकिंग जा रहा था तो पैसा आधे घंटे से एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक कोई सहायता कहाँ करे भैया? इंसान है, इंसानियत अंदर है। अरे यार बहुत बुरा लगा है, बुरा तो लगा है, अगर 10 मिनट और ना आएगा तो मर जाएगा वो। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का कॉल, बगल में थाना है और ये सामने पुलिस सहायता केंद्र यूनाइटेड है भैया। अभी तक कोई भी यहाँ पर कोई प्राधिकारी नहीं पहुँचा, कोई सिपाही तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है, और बगल में एकदम जस्ट सामने लगा हुआ पुलिस सहायता केंद्र है। यह व्यक्ति नैनी से प्रयागराज की ओर जा रहा था, जो कि डिवाइडर से लड़ने के कारण काफ़ी गंभीर चोट आई है। मौके पर वहां पर उपस्थित पत्रकार प्रकाश सिंह टिकैत, उनकी पूरी टीम ने मदद की उस घायल व्यक्ति की। आपको बता दें कि लोकल व्यक्तियों द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से प्राइवेट एम्बुलेंस आई है, और वहाँ पे पत्रकार प्रकाश सिंह डिकैत एवं उनकी पूरी टीम ने मदद की। लोकल ग्रामीणों की मदद से घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल के लिए भेजा गया। आपको बता दें काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, इनका नाम और पता कंफर्म नहीं किया गया। फिर भी आपको बता दें घटना बड़ी है। जनपद प्रयागराज के नैनी से निकल के आ रही व्यक्ति नैनी से प्रयागराज की ओर जा रहा था, जो कि डिवाइडर से लड़ने के कारण गंभीर रूप से घायल है। देख सकते हैं किस प्रकार से एम्बुलेंस की सहायता से उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है। देखते रहिए प्रकाश की आवाज़ न्यूज। ऐसे तमाम खबर को सबसे पहले हम सबसे सटीक पाने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें प्रकाश की आवाज़ न्यूज, एवं फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें प्रकाश की आवाज़ न्यूज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में।